हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें बन रहा है काफ़ी शानदार पैटर्न। और पिछले एक साल का अगर रिटर्न हम देखें तो 300% से ज़्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। 79 के लेवल से ये स्टॉक कर चुका है 300 रुपये का लेवल क्रॉस। साथ ही इस स्टॉक के हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या फीडबैक है, या फिर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और अपने नियर एंड डियर वन से भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इस स्टॉक के बारे में। तो गैलेंट इस्पात लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो मेजरली आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। साथ ही ये पावर जनरेशन में है, और मेजरली अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मेजरली इनकी जो ब्रांड है वो उसके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, लेकिन सबसे पहले हम इसके चार्ट को स्टडी करते हैं तो और देखते हैं कि इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो टेक्निकल्स काफ़ी शानदार हैं। आप देखें तो ये जो स्टॉक है पिछले 6 महीने में भी लगातार हायर टू हायर पैटर्न में मूव कर रहा है। ये अगेन हाई टू हाई पैटर्न में ये मूव कर रहा है। और अगर इसको क्लोजली अगर आप मॉनिटर करें, जाते हैं डेली चार्ट पर, तो यहाँ पे एक बहुत शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। साथ ही इस पैटर्न ने रीटेस्ट भी किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये सेम लेवल, दिस इज आर कप, दिस इज आर हैंडल, और यहाँ से ये इस स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, दिस इज दी रीटेस्ट। तो तब भी स्टॉक रीटेस्ट करता है तो एक कॉन्फर्मेशन आ जाता है कि जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स आगे दे सकता है। साथ ही इसमें हाई वॉल्यूम भी इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है बट वॉल्यूम्स लो हैं तो वो पैटर्न आपको आगे चल के उस तरह का रिटर्न नहीं दे पाता। लेकिन अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, साथ ही पैटर्न अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है और हाई वॉल्यूम्स इंडिकेट हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न से हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर पिछले एक साल का रिटर्न, पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। आप ये देखिए कितने अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये बात हुई इस चार्ट के टेक्निकल्स के बारे में। RSI अगर आप देखें तो RSI भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ 60 के आसपास का RSI है, तो ये ना ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर बाय इसको आसानी से किया जा सकता है। साथ ही यूटिलाइजेशन कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 9,046.83 करोड़ का है, ज़्यादा छोटी कंपनी। इसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी इसमें बनी हुई है, सेल्स ग्रोथ्स काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ वेरी गुड, प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि 19% कम रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा लो इसमें कंसिडर किया जाएगा। डेट थोड़ी सी कंपनी पर है, फेस वैल्यू 10 की है, पी रेशियो अच्छा है। और अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बात है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। अगर ओवरऑल बात की जाए कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है पास्ट 3 ईयर्स से कंपनी की। साथ ही कंपनी ने काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट किए हैं, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी हेल्दी मेंटेन्ड है, कंपनी के एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अगर ओवरऑल इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक हफ्ते से तो ये स्टॉक कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अगर मंथली इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर 30% के आसपास का 28.4% का रिटर्न आपको दिखाई देगा। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में भी इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 75% का जंप यहाँ पर लगाया है। और अगर 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 ईयर में ऑलमोस्ट 292% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही अगर इसकी ओवरऑल मैक्स परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पर 1100% के आसपास का इसने रिटर्न जनरेट किया है। और अगर यहाँ से देखिए, पहले तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ही था, 2023 तक तो ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ 57 के लेवल से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है।